मैं डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट लखनऊ में रायबरी रोड पर प्रैक्टिस करता हूँ। सो आज मैं डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस और उसमें फैमिली के रोल के बारे में बताना चाहता हूँ। तो पहला एस्पेक्ट ये कि फैमिली में अक्सर जो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो कॉस्ट एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर आता है। तो कॉस्ट अगर आपको दवा की ज़्यादा लग रही है तो आप अपना फैमिली मेम्बर के साथ डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि भाई इसका कॉस्ट इतना ज़्यादा, हम लंबे समय तक दवा नहीं ले पाएंगे। तो डॉक्टर आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, कुछ लो प्राइस मेडिसिन पे लिख के आपका इलाज चलता रहेगा। दवा अगर आप छोड़ देते हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेशन जो कि क्रॉनिक होते हैं, आई की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम है, वो होने का डर और बढ़ जाता है। तो कभी भी दवा ऐसे ना छोड़ें, डॉक्टर से बात करें। और आजकल जन औषधि भी खोल रखे हैं प्रधानमंत्री योजना में, उससे भी दवाएं मिल जाती हैं। तो वो सब डॉक्टर से डिस्कस करके उसका सोल्यूशन निकल आएगा। सेकेंड प्रॉब्लम आती है कि कई बार कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे अक्यूट कॉम्प्लिकेशन, जिसमें कि हाइपोग्लाइसीमिया जिसको हम लोग कहते हैं, लो शुगर हो जाना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि सभी फैमिली मेंबर जो साथ रहते हैं उन्हें इस बारे में पता होना चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया हम कब कहेंगे और उसमें क्या करना है, क्योंकि उस समय अगर इलाज नहीं मिला तो पेशेंट का ब्रेन डैमेज हो सकता है, पेशेंट बेहोश होकर अस्पताल जाएगा, वहां पर उसको और प्रॉब्लम हो सकती है। तो हाइपोग्लाइसीमिक सिम्टम्स हम बताएंगे फैमिली को, जैसे कि चक्कर आना, पसीने आना, घबराहट होना, हाथ कांपना और धीरे धीरे मूर्छा आने लगती है। तो यहाँ पे पेशेंट को भी पता होना चाहिए कि अब हमें क्या करना है, घर वालों को भी। अगर ग्लूकोमीटर है तो उससे शुगर चेक कर लें, और इमीडिएटली लो शुगर आ रहा है तो 3 चम्मच ग्लूकोज पानी में घोल को पिला दें। अगर ग्लूकोज नहीं मिलता है तो शुगर दे सकते हैं, कोई भी मीठी चीज दे सकते हैं। लास्टली अगर कहीं ऐसी जगह कुछ नहीं तो जूस है, कोल्ड ड्रिंक वो दे दें, लेकिन कोल्ड ड्रिंक वैसे प्रेफरेबल नहीं है, ग्लूकोज ही लेना चाहिए। तो ये चीज फैमिली मेंबर्स को पता हो, पेशेंट को पता हो, तो इससे हम एक बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है शुगर ज्यादा हो जाते हैं, कई बार शुगर 400-500 हो गए, तो उसमें हालांकि बहुत सिम्टम्स ऐसे नहीं होते डिटेक्ट कर पाए, फिर भी ये कि कई बार ड्राउजीनेस होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, वीकनेस होती है, थकान रहती है, तो ऐसे में भी शुगर चेक करके हम लोग देखते हैं शुगर ज्यादा है तो हमें बताना है कि डॉक्टर से मिलें या दवा इंसुलिन पे, तो इंसुलिन की डोज बढ़ाएं। तो ये चीजें फैमिली मेंबर्स को पता हो। अब जो एक मेजर प्रॉब्लम है कि जो स्पाउस के साथ आती है कि मैरिटल प्रॉब्लम, कि पेशेंट को कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से उसे दिक्कतें आ रही हैं, तो वहां भी हमें पेशेंट के स्पाउस को गाइड करना है कि ऐसी दशा में डॉक्टर से मिले बजाय उसको परेशान होने के। अब इन सब के अलावा कुछ ऐसे सिम्टम्स है जैसे कि पता लगेगा कि आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो घर वालों को कि पैरों में सूजन आ रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें, आंखों की रोशनी में कोई दिक्कत आ रही तुरंत डॉक्टर से मिलें। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस अगर फैमिली को पता है तो वो समय रहते हुए डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करेंगे और उसका इलाज समय समय पर होता रहेगा। तो कभी भी एक निराशाजनक मैसेज फैमिली में नहीं रहना चाहिए, फैमिली को मरीज के प्रति कोई नेगेटिव मैसेज नहीं रहना चाहिए, वो इनकरेजमेंट करेंगे हमेशा पेशेंट को। कभी भी नेगेटिव सोच नहीं देना चाहिए कि नहीं नहीं वो बगल वाला तो हार्ट अटैक से मर गया था, नहीं इसके तो पैर कट गया था, तो इस तरह के मैसेज ना डॉक्टर को देने ना फैमिली मेंबर को देने। कई बार इस तरह का मैसेज भी लोग दे देते हैं कि नहीं डायबिटीज में 10 साल की लाइफ कम हो जाती है, 20 साल की लाइफ कम हो जाती है, तो ये मैसेज हमें कभी नहीं कन्वे करना फैमिली मेंबर्स को। एग्जाम्पल नहीं देना कि वो हार्ट अटैक से मर गया, मरने का तो वैसे भी किसी का नहीं पता कौन कब मरेगा, लेकिन पेशेंट को अगर बार बार आप नेगेटिव मैसेज देंगे तो डेफिनेटली वो जल्दी मर जाएगा, फिर परेशानियां उसको दिमाग में रहेंगी। तो ये मैसेज मैं सबको फिर से कन्वे करता हूँ कि फैमिली मेंबर्स को, कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पेशेंट के साथ चलें और जो जो डॉक्टर काउंसलिंग करते हैं उसमें जाके पार्टिसिपेट करें और उन सिम्टम्स को समय पे ध्यान रखते हुए डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू।